हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग भी ठीक है। तो आज है थर्सडे और मैं निकल चुका हूँ राजस्थान के लिए, क्योंकि गांव जा रहा हूँ। तो अभी मैं मेट्रो पहुँच चुका हूँ सिल्क इंस्टीट्यूट वाले, यहाँ से मुझे जाना है जशनपुर और मेरी कुछ 90 को मेरी बस है वहाँ से। तो बस पिक करते हैं और आराम से 2 दिन की जर्नी है, आराम से गाँव जाते हैं। जर्नी आपको बताता हूँ कैसे कवर करता हूँ। ये हमारी मेट्रो आ चुकी है यहाँ पे, एकदम टाइम पर मेट्रो आई है गाइस, क्योंकि मैंने सोचा था 5 मिनट लेट आएगी, 10 मिनट लेट आएगी, जब एकदम ऊपर चढ़ा मेट्रो आ गई। तो भाई अभी यशवंतपुर मेट्रो पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक करके जाना होगा हमें, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस पे बस रुकती है। बस का डिपो वहीं पे है, तो वहाँ पे जाते हैं। और मेरे ख्याल से अभी कितना बजा है, अभी 19 हुआ है, तो हाफ एन आवर हमको वेट करना पड़ेगा बस के आने का, फिर बस में चढ़ते हैं। यार यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मुझे कुछ 45 मिनट्स लग गए सिल्क इंस्टीट्यूट से जशनपुर आते हुए। तो जहाँ पर बस का पिकअप है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं, और अभी भी कुछ 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है बस का, कुछ 9:50 को है और मैं 9:30 हो चुके हैं। अभी वेट करते हैं, फिर बस आने के बाद अपडेट करता हूँ आपको। हमारी बस आ चुकी है यहाँ पे, तो चलो बस में चढ़ गए अभी। तो भाई सभी बस में बैठ चुका हूँ मैं, कुछ 10:15 हो चुका है अभी टाइम, बस 15 मिनट लेट थी, अब कोई टेंशन नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे कोई अर्जेंट नहीं है जाने की, आराम से जाऊँगा, जर्नी इन्जॉय करते करते जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे में बस चुकेगी डिनर के लिए, तो मैं तो पक्का उठूँगा नहीं, क्योंकि जैसे डिनर करके आया हूँ पूरा पेट भरा हुआ है। तो थोड़ी देर में सो जाऊँगा, थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करते हैं, फिर आराम से सो पाएंगे। सुबह उठेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे और जर्नी इन्जॉय करेंगे। आपको पूरा जर्नी का ब्लॉग दिखाता हूँ, आप स्किप मत करो गाइस, पूरा ब्लॉग देखो और सपोर्ट करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग का सपोर्ट ही आगे पहुँचाएगा बस। चलो तो 12 बज चुके हैं और अभी जस्ट 5 मिनट के लिए बस रुकी है वॉशरूम जाने के लिए, मेरे ख्याल से रात को डिनर के लिए नहीं रुकेगी बस। और ये साउंड पता नहीं क्यों तंग कर रहा है यार, बहुत जोर से आ रहा है ये साउंड, मेरे ख्याल से जो बोल रहा हूँ वो क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर ने चाय पी है और हम वॉशरूम जाके वापस अंदर आके बैठ गए। तो चलो अभी 12 बज गए तो सो ही जाते हैं। तो गुड नाइट गाइस, मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, बस अभी उठा हूँ, जस्ट एकदम मस्त नींद आई रात भर, और कुछ 8 बज चुके हैं, अभी कोल्हापुर पहुँचा हूँ। बस मौसम और रुका बाहर, देखो एकदम बहुत ही बढ़िया मौसम है बाहर, धूप भी नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। अभी देखते हैं, बस वाला बोल रहे कि 5-10 मिनट में ब्रेकफास्ट के लिए रुकेगा, ब्रेकफास्ट करते हैं, फ्रेश होता है, फिर सब ब्रेकफास्ट करता है और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो बस बस रवाना हो चुकी है ब्रेकफास्ट के बाद, मैंने पोवा लिया था और एक मस्त सी चाय पी मैंने, और फिर मैं वापस अंदर आके बैठ गया, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं बाहर देखने को भी और कुछ करने को भी, तो अंदर आके बैठ गया। अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है वापस, बस स्टार्ट हो रही है, उन्होंने बोला था कि 15 मिनट रुकेंगे, 45 मिनट्स के आसपास हो गया, अभी 45 मिनट्स के बाद बस रवाना हो रही है वापस। तो चलो लंच के लिए मेरे ख्याल से 2-3 बजे रुकेगी या फिर 4 बजे रुकेगी, तो तब तक कोई मूवी देखते हैं या फिर स्क्रॉल करते हैं फोन पे, टाइम पास तो करना ही हमें। ये कुछ काम चल रहा है बाहर, कब से जब से बस रुकी थी तब से कुछ काम कर रहे हैं लोग, कुछ पाइप या बैनर कुछ है। चलो बस अभी रवाना हो रही है आगे के लिए, बस अभी कोल्हापुर से आगे हैं, आगे ही होटल है, नॉर्मली राजस्थानी होटल ही है, इनका जो कमीशन रहता है वो लोग ये करते हैं, और उसके हिसाब से सारी बस जाकर हो गई, जैन हो गई, बिहार हो गई, सब यहीं पे आके रुकती है। लास्ट टाइम भी जब मैं बस में आया था तो तब भी यहीं पे आके ये रुके थे, और जैन जाकर ये सब साथ में ही निकलती है बैंगलोर से और साथ में ही यहाँ पर पहुँचती है। का नाम है होटल जे बाबा रामदेव,
ये कोल्हापुर के निकलते ही ये होटल है। तो सारी बसें मेरे ख्याल से जो भी है वो यहीं पे आके रुकती है जो जोधपुर जाती है। नाम तो एसी हॉर्स हमें रेस्टोरेंट रखा है लेकिन है नहीं गाइस, धोखा दे रहे लोग, पागल बना रहे एक तरफ से। नॉर्मल से ढाबा है, अच्छा खासा खाना मिल जाता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा खासा मिल जाता है खाना यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बोला पोहा, मसाला डोसा, वड़ा पाव, बोंडा भजी, ये सब मिल जाता है यहाँ पे। सभी डिनर के लिए बस रुकी थी, तो होटल का नाम है होटल सती माता पैलेस। हर वक्त यहीं पर रुकती है बस। लास्ट टाइम जब मैं बिहार में आया था तब भी बस यहीं पर रुकी थी और वो बिहार वहाँ पे खड़ी है जो सुबह हमारे साथ थी। बस जैन मेरे ख्याल से अभी आएगी, वो थोड़ी पीछे है। तो इनका एक ही होटल रहता है, एक ही होटल फिक्स रहता है, वहीं पर आके रुकती है और अभी कुछ हाफ एन आवर में बस वापस चलेगी यहाँ से। यहाँ बस के बाहर लिखा सब कुछ है, हाई स्पीड वाईफाई, क्लीन बेडशीट, शेड्यूल फ्लेक्सी टिकट, मिनरल वाटर बॉटल और प्राइवेट कैबिन और ऑन टाइम प्रॉमिस वाला, लेकिन होता कुछ भी नहीं है गाइस। वाईफाई बोलो तो वाईफाई चलती नहीं है, किसी ने पानी पूछा तो बोलते हैं होटल है क्या, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। बस आपका टिकट है, अंदर बैठो और ट्रैवल करो बस। अभी सिरोही के आगे रुके हैं, मैंने चाय ली है और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। कुछ 12 बजे है, सुबह रुकी थी वहाँ पे, कुछ नाश्ता था नहीं, बस चाय पी के निकल गए थे और अभी फिर से रुकी है बस। तो यहाँ पे नाश्ता किया जा रहा है और 10-15 मिनट में बस निकलेगी वापस। और यहाँ से जोधपुर कुछ 160 किलोमीटर है, 3 घंटे लगेंगे हमें। अभी 12 बज चुके हैं और 10:30 बजे हमें जोधपुर पहुँचना था, बस ऑलरेडी लेट है तो मेरे ख्याल से 3 बजा देगी अभी। तो खुद पहुँचते पहुँचते जब मैं घर पहुँचूंगा तो 6 बज जाएंगे। पाली से निकले हुए हमें कुछ
बस वाले जो टाइम मेंशन करते हैं जहाँ पे हम टिकट बुक करते हैं वो टाइम इनका एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, इनकी मर्जी से पहुँचाते हैं। और एक और बात इनको बोल देना चाहिए ना कि बस हाँ टाइम पे नहीं पहुँचेगी, तो 3 बजे का टाइम दे देते हैं, उससे पहले कभी भी पहुँच सकती है। ये थोड़ी कि आप 10:30 का टाइम दो और 3-4 बजे पहुँचाओ। अगर समझ लो किसी को काम हो 11:30 को और वो सोचे कि 10:30 बजे बस तो पहुँच जाएगी और उसका काम तो गया ना, तो थोड़ा सोचना चाहिए इनको। अभी भी कब पता नहीं, मेरे ख्याल से खड़ोवत के पास पहुँची है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होगा, फिर वहाँ से बॉबे मोटर से बस लेके 2 घंटे देचू के लिए, और देचू से आधा घंटा घर के लिए। तो भाई जोधपुर पहुंच चुका हूं, अभी रैपिडो बुक किया है, यहां से रैपिडो लेके बॉम्बे मोटर्स, वहां से मुझे बस पकड़नी है देचू की।